इस क्वेश्चन में कह रहा है टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर कैरी 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर करेंट रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट मिडवे बिटवीन देम। मतलब दो वायर है हमारे पास, ठीक ना, ये दो वायर हो गई, ये हो गई वायर वन, वायर वन और ये वायर टू। एक में करंट हो गई 5 एम्पियर और दूसरे में करंट हो गई 10 एम्पियर, ठीक ना, और दोनों वायर के बीच का सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट पी मान लेते हैं जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां से भी 10 सेंटीमीटर मिड पे है तो वहां से भी 10 सेंटीमीटर, दोनों वायर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। क्लियर? अब देखो, अब इसमें डायरेक्शन हमें कुछ दे नहीं रखा है कि अपवर्ड या मतलब जो भी डायरेक्शन है हमने मान लिया है, बस उसने कह रखा है सेम डायरेक्शन है तो सेम ऊपर की तरफ हमने मान लिया, ठीक ना। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो बी इक्वल टू मतलब पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी वन। अब चाहो तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू वायर वन, तो वो क्या हो जाएगा, बी वन इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और करंट कितनी है, करंट हो गई 5 एम्पीयर अपॉन 2 पाई इंटू आर, कितना है 0.1। पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ इससे कैंसिल 2, तो बी वन इक्वल टू 2 इंटू 50 हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -7। तो बी वन इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -5 टकला। और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है राइट हैंड पाम रूल से, क्या होता है, पुट द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड रिफ्रेंस द फिंगर्स एट द पॉइंट वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख पा रहे हो हाथ उल्टी हो गई है, पाम इनवर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी वन है वो इनवर्ड है, ठीक ना, तो डायरेक्शन आ गई इनवर्ड। क्लियर? राइट हैंड पाम रूल से मैंने डायरेक्शन लिया है, ठीक ना, उसमें क्या होता है थंब को हमें करंट की डायरेक्शन में रखना होता है और पाम को उस मतलब चारों उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ जिधर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो पाम की जो डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड, पाम इसमें इनवर्ड आ रही है, ठीक ना। अब दूसरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं पॉइंट पी पे, तो बी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अरे वैल्यू रखते हैं ना, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और उसमें करंट है 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर की वैल्यू है 0.1। पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ इससे कैंसिल 2, तो बी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -7। तो बी टू इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 टकला। और इसकी डायरेक्शन आ जाएगी अपवर्ड, ठीक ना, इसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी अपवर्ड, मतलब यहाँ पे ये चार उंगलियां हो जाएगी, ठीक ना, थंब ऊपर, तो इधर वो लाइन वाली हाथ आ रहा है हमारा, ये ऐसा हस्तरेखा वाला है, तो मतलब दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है बी टू। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे हम, दोनों एक अपवर्ड एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड है, तो बड़ा माइनस छोटा मतलब बी टू माइनस बी वन, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, बी नेट इक्वल टू हो जाएगा बी टू माइनस बी वन, बोले तो 2 इंटू 10 की पावर -5 -1 इंटू 10 की पावर -5 टकला। 2 माइनस 1 हो गया 1 इंटू 10 की पावर -5 टकला। और उसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड रहेगी क्योंकि जो बड़ी है वही बड़ी डायरेक्शन रहेगी, तो बी नेट इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -5 टकला और डायरेक्शन आउटवर्ड है। क्लियर?